हेलो दोस्तों, मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप आरआरबी में लोकोपाइल का फॉर्म फिल कैसे करें। तो चलते हैं हमारी साइट की तरफ। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे गूगल खोल रखा है, ठीक है। गूगल जो साइट होती है, जो हमारी मेन होता है, वो हमने खोल रखा। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है लोको पायलट ऑनलाइन फॉर्म। तो आपने यहाँ पे सर्च कर दिया, तो इसमें से आप जो ये थर्ड ऑप्शन आया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं, आप हम इस साइट पे आ चुके हैं। तो अब यहाँ पे आप नीचे आ जाइए और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी वैकेंसी दी हुई है और इसमें क्या क्या है क्या नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसकी जो आपको लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की, वो 3 फरवरी से स्टार्ट थी और 31 मार्च इसकी लास्ट डेट है। तो प्लीज आप सबको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, टाइम से पहले अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, कहीं आप रह ना जाएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जून वाइज वैकेंसी दी हुई है। तो यहाँ पे हम नीचे चलते हैं। अगर यहाँ पे अगर एज रिलेक्शन की बात की जाए, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके सामने जो ओबीसी को अगर इसमें एज रिलेक्शन दिया गया है, वो 3 ईयर का दिया हुआ है। SC ST को 5 ईयर्स का दिया हुआ है। एंड एक्स रिस्मे को 3 ईयर का है। एंड PWD जनरल को कैंडिडेट्स को दिया गया है 10 ईयर का, मतलब 10 ईयर्स का। PWD मतलब हैंडीकैप्ड जो होते हैं उनको, ठीक है। और PWD ओबीसी कैंडिडेट को तो 13 ईयर का दिया हुआ है, और PWD SC ST को 15 ईयर का दिया हुआ है, ठीक है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, हम अपना फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप इस लिंक पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो ये स्टेट एज पर रेजिडेंस एड्रेस, जहाँ का आपका डोमिसाइल है, आपको वहां पे मतलब कि वहां पे आपको ऑप्शन चूज करना है। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ, तो आपको यहाँ पे हरियाणा चूज करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। यहाँ पे अगर आपका ऑलरेडी पहले ही मतलब आपने क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। आपका नए कैंडिडेट है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। तो अब हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपना नेम डालते हैं, रीएंटर नेम। यहाँ पे भी अपना दोबारा से नेम डालेंगे एक बार। यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पे आपका UID मतलब आधार कार्ड का नंबर डालेंगे यहाँ पे। तो हमने ये फिल कर दिया है। तो अब यहाँ पे नीचे आइए, यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन में जो है ये फादर नेम में आपके मतलब कि जो फादर का नेम है वो डालना है आपको। और नीचे आपको मदर नेम डालना है। तो मेट्रिकुलेशन, इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसमें मेट्रिकुलेशन, इसमें यहाँ पे आपको कौन से स्टेट से अपने 10th पास की है, तो इसमें आपको ये डालना है। तो आपने CBSE से कर रखी तो CBSE डालिएगा, अगर आपने स्टेट बोर्ड से करें स्टेट बोर्ड डालिए, अदर से कर रखी तो अदर का ऑप्शन भी है इसमें। तो आप स्टेट जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। यहाँ पे आपको अपने 10th क्लास का जो आपका रोल नंबर होता है वो डालना है। और आपने कौन से ईयर में पास की थी वो डालना है यहाँ पे। तो और अब आपके आपके आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका पर्सनल नंबर हो वही डालना है आपको यहाँ पे।
दोबारा से फिर डालिए एक बार और। और जो आपके यहाँ पे पर्सनल जो मेन आईडी जो आपकी जीमेल आईडी आपको उसमें यहाँ पे वो फिलअप करनी है। तो प्लीज अपनी आईडी देख के भरिए, क्योंकि आपके पास अगर एडमिट कार्ड जब भी इनके डाउनलोड होंगे तो आपकी ईमेल आईडी पे नोटिफिकेशन पक्का आ जाएगा। तो यहाँ से मैं पेस्ट कर लूंगा, अगर पेस्ट होएगा तो यहाँ से आप पेस्ट कर लीजिए। पेस्ट नहीं हो तो आपको दोबारा मतलब दोबारा फिल करनी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे जो ये सेक्टरी कोड दिया हुआ है यहाँ पे ये भर दीजिए आप। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे यहाँ पे यस कीजिए। अपना फॉर्म आप देख सकते हैं, आप दोबारा चेक कर लीजिए, मतलब अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो ध्यान से किसी को दोबारा देख लीजिए ताकि आपकी कोई मिस्टेक ना हो। तो अभी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सबमिट पे। हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया है तो आप पे यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज इतना। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे मतलब कि लिख सकते हैं या सेव कर सकते हैं जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो जो आपका पासवर्ड है वो आपका ये जो का जो की डेट ऑफ बर्थ है ये आपका पासवर्ड हो जाता है इसमें आरआरबी में। तो आप यहाँ से ओके कीजिए और यहाँ पे जो आपके एक ईमेल पे आप ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा आपको वो भी फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी ऑलरेडी ओपन कर रखी है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये मोर ऑप्शन में जाइएगा, स्पेम में जाइएगा तो आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। मैसेज शो नहीं हो रहा अभी ये। देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ पे आया हुआ है तो आप यहाँ पे ओटीपी देख सकते हैं, ये 6300090 ये आपका ओटीपी नंबर है। तो आप इसे नोट करके वहां पे डाल दीजिए। साइट पे आते हैं, अपनी मेन साइट पे आते हैं तो ईमेल को यहाँ पे डालते हैं। फ्रेंड जो मोबाइल के नंबर पे आपका जो ओटीपी आएगा उसको भी आपने फिलअप करना है। फ्रेंड थोड़ा वेट थोड़ा टाइम लग रहा है, ये आरबी साइड थोड़ी स्लो चल रही है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है आपको, थोड़ा वेट कीजिए आप। फ्रेंड ध्यान दीजिए कि आपका
ओटीपी नंबर गलत ना हो, क्योंकि फिर अगर आपने यहाँ पे गलत कर दिया तो दोबारा आपको सारा प्रोसेस दोबारा करना पड़ेगा, आपको फिर प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ओटीपी डालते हैं अपना। अब डालने के बाद यहाँ पे वैलिडेट पे क्लिक करते हैं हम। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप जो था, मतलब हमारा क्लियर हो चुका है। हमारा एड्रेस नंबर ये है और जो हमारा पासवर्ड वो है हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो आप ऐसे फ्रेंड्स से अपना, मतलब कि क्या कहते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें। एंड प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।